सो गाइस, अब तक तो तुमने डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का फाइनल एपिसोड तो देख लिया होगा और इसी के साथ क्रंचीरोल के सर्वर्स भी ब्लास्ट हो गए थे और एक्सपर्ट डेमन स्लेयर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। एनिमे के साथ साथ लोग स्टूडियो की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इस एपिसोड ने सिनेमा लेवल मजा जो दिया है। और सीजन 4 के फिनाले के बाद ही हमें स्टूडियो की तरफ से सीरीज के फाइनल एपिक बैटल द इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है और ये ट्रिलॉजी में आएगा, मतलब 3 पार्ट्स में आएगा। वैसे इसके लीक्स बहुत दिनों से बाहर आ रहे थे पर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के फिनाले के बाद इसे ऑफिशियल कर दिया गया। इसके पहले भी डेमन स्लेयर ने हिस्ट्री बनाई है मुगेन ट्रेन मूवी से, जो हाईएस्ट सेलिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम बना था। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भी वो एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम बना था जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। मुगेन ट्रेन मूवी ने वर्ल्ड वाइड $507 मिलियन की कमाई की थी। उसके बाद डेमन स्लेयर की तरफ से दो और मूवीज भी आए थे, 2D जॉर्ज स्मिथ विलेज एंड 2D हाशिरा ट्रेनिंग, पर ये दोनों मुगेन ट्रेन की तरह इतना चले नहीं थे क्योंकि मुगेन ट्रेन खासकर थिएटर्स के लिए ही बना था। पर इन दोनों फिल्म्स को एनिमे सीजन के लास्ट एंड नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड को मिलाकर थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इन दोनों ने $56 मिलियन एंड $44 मिलियन वर्ल्ड वाइड की कमाई की थी। और अब इन तीनों मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ेगा इन्फिनिटी कैसल क्योंकि ये फाइनल बैटल है डेमन स्लेयर के डेमन किंग के खिलाफ। अब सीजन 4 के एंडिंग के बारे में बात करें तो मुजान किंग ऑफ द डेमन्स खुद उबियाशिकी मैंशन में आता है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वॉक के साथ मुजान उबियाशिकी के सामने खड़ा हो जाता है और उबियाशिकी की बेइज्जती करने लगता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मुजान और उबियाशिकी की ब्लड लाइन एक ही है पर ये दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है क्योंकि मुजान हजारों साल पुराना है। अब उबियाशिकी पहले से तैयार था मुजान के स्वागत के लिए, पूरा मैंशन एक्सप्लोजिव से भरा था और उसके साथ कार्टून की तरह कैल्ट्रस थे जिससे मुजान के रिजनरेशन को थोड़ा स्लो किया जा सके। उबियाशिकी खुद को और अपने फैमिली को सैक्रिफाइस कर देता है मुजान को रोकने के लिए और उसे कमजोर करने के लिए जब तक कि वहाँ हाशिराज ना पहुँच जाए। फिर वहाँ लेडी तमायो आ जाती है अपने साथ एक स्पेशल ड्रग के साथ, एंटी किबुसुजी ड्रग, जिससे डेमन्स को वापस इंसान बनाया जा सके और इस बात पर मुजान यकीन भी नहीं करता और ये ड्रग भी मुजान पर ज्यादा कुछ असर नहीं दिखाता, बस उसका रीजनरेशन थोड़ा स्लो कर देता है। फिर वहाँ हाशिराज आ जाते हैं और फिर स्टोन हाशिरा ग्योमी मुजान से लड़ने लगता है और ये लड़ाई एकदम सिनेमा था। इसके बाद इन्फिनिटी कैसल का दरवाजा या को पोर्टल खुल जाता है और उसमें सारे हाशिरा, टांजिरो और भी बाकी डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है फाइनल बैटल और एपिसोड खत्म होता है जहाँ मुजान टांजिरो को चैलेंज देता है कि मार सको तो मुझे मार कर दिखाओ। अब इन्फिनिटी कैसल के अंदर बहुत से खतरनाक खतरे हैं जैसे 12 किजिको के बचे हुए डेमन्स। अब हाशिरा और टांजिरो को इन डेमन्स के साथ लड़ना होगा और एक ऐसे फाइट के लिए तैयार होना होगा जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। द स्टेज इज सेट। अब मूवी के आने पर डेमन स्लेयर के हीरोज और डेमन्स के बीच फाइनल बैटल शुरू होने के लिए तैयार है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो और आपको डेमन स्लेयर का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट एनिमे मूवीज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।